बात की आवाज भी बोल रही थी। पत्नी की आवाज देखिए इसकी मैं कैसे यहाँ से एंटर। अरे अरे दादा क्या आ जाएगा क्या मां छोटे छोटे एक्शन सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हम दोनों के इंटरव्यू में। आज हम जब यहाँ पर आए हमने कुछ अजीब चीज होते हुए देखी। आप लकड़ियों पे लेटी थी, आपको जलाने की तैयारी की जा रही थी, ऐसा क्यों? क्योंकि अब सुरभि जो कैरेक्टर है शी इज़ डाइंग एंड ड्यू टू चाइल्ड बर्थ उसकी डेथ हो जाती है। एंड अब ऑफ कोर्स क्योंकि मैं मैरिड हूँ तो इसीलिए जब भी किसी मैरिड औरत की डेथ हो जाती है तो शी हैज़ टू ड्रेस अप इन अ ब्राइडल दिस थिंग एंड देन डाई। तो फिलहाल हम वही शूट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी डेथ होते हुए दिखाई दे रहा है, आगे चल के वापस से आपका रिबर्थ होगा? नहीं, आई कम्प्लीटली डाउट, क्योंकि अब मेरी डेथ तो प्रॉपरली वो चिता में दिखा रहे हैं, कुछ मुंह ढक के डेथ नहीं हो रही, तो कमिंग बैक तो नहीं, आई डोंट थिंक। आप जब वहाँ पे लेटी हुई तो मैं देख रहा था कि आपको धूप बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी और साथ ही साथ आप बार बार स्पॉट दादा को बुलाते जाते कि छाता लेके आइए छाता लेके आइए, उस तरह का वो दौर कैसा? मतलब एक्चुअली ये पहला मेरा खुद का भी पहला एक्सपीरियंस है, आई एम फर्स्ट टाइम शूटिंग अ सीन लाइक दिस एंड एक्चुअली काफी डिफिकल्ट है बिकॉज बहुत धूप है एंड वो डायरेक्टली फेस पे पड़ती है एंड आप सांस नहीं ले रहे हो, नाक के अंदर रुई है, तो एवरी टाइम यू हैव टू ब्रीद, यू हैव टू बी लाइक कट, देन दो चार बार सांस लो, फिर देन यू अगेन कंटिन्यू विद द सीन। बट येस, आई एम श्योर जो लोग मर जाते होंगे उसके बाद उनके ऊपर इतना फूल डाला जाता होगा उनको अच्छा नहीं लगता होगा बिल्कुल भी। आखिर में आपसे एक सवाल है कि रियल लाइफ में तो आपकी मृत्यु हो चुकी है, रियल लाइफ में आप जिंदा हैं, तो रियल लाइफ में आप सॉरी रियल लाइफ में आप किस किस को मिस करेंगी? I'll miss everybody. Actually, हमारा बहुत अच्छा पूरा यूनिट है एंड our producers are very very nice. तो मेरे सारे को एक्टर्स ऑफ कोर्स शूटिंग I'll miss everything. बात करने के लिए बहुत अच्छा। आपकी डेथ तो हो गई लेकिन रीजन जानना चाहेंगे कैसे हुई, कैसे आपकी मौत? मैं बताया ना कि चाइल्ड बर्थ में मेरी डेथ हो गई, क्योंकि मतलब जो रीज़न दैट शी गिव्स इन द स्टोरी इज़ कि भाई मैंने मीठी को उसकी माँ से अलग किया इसलिए शायद भगवान मुझे मेरे बच्चे से अलग कर रहा है। तो बट अब आपको एक छोटा सा बच्चा शो में दिखेगा जो मेरा बेटा है। थैंक यू। Thank you.
रोल यहाँ पे हम आपके रिलेशन सभी लोगों से जानना चाहेंगे जो आपके चिता के आसपास खड़े मेरे चिता के सबसे पास ऑफ कोर्स मेरा पति कान्हा एंड आई थिंक बाजू में जोगी जी थे जो मेरे ससुर हुए और उसके साथ एकादश जो मेरी बुआ लगती है अगर्ज मेरे जो फादर हैं शो में और कौन था विष्णु हाँ ऑफ कोर्स एक विष्णु जिसकी शादी अभी हुई है मिठी से बेसिकली मेरे ननंद का पति हुआ वो एंड आकाश मेरा भाई जो मुझसे बहुत प्यार थैंक यू